हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक मैं आपके लिए एक राजा और सेवा का कहानी लेकर आया हूँ। आपके मन में हमेशा ये चलता है, राजा तुम्हें सेवा के साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं, पर मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताऊंगा आपके मन में जो गलत धारणा बना हुआ है इस कहानी के माध्यम से क्लियर हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर राजा खराब होते हैं, पर इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि 90% राजा किस प्रकार के होते हैं और असल में वो सेवा को सेवक ही समझते और अपने आप को राजा समझते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी उस गांव के बारे में है जहाँ का राजा बहुत ही रूड रहता है। उस राजा से प्रजा बहुत ही परेशान रहती है। उस गांव के हर व्यक्ति के मन में यही चलता है, हमारा बस में रहेगा तो हम इस गांव छोड़ के चल जाएंगे और यहां पर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये राजा बहुत ही कर लेता है, बहुत ही हमें परेशान करके रखा है। और वो राजा के पास में बहुत सारे कुत्ते रहते हैं। अगर किसी भी इंसान से कोई भी गलती हो जाए, वो छोटा या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजा उसे पकड़कर उस कुत्ते के सामने डाल देते हैं और कुत्ता उसे मार देता है। मतलब यहाँ पर कोई फांसी का डर नहीं होता है, कारागार में डाला नहीं जाता है, डायरेक्ट कुत्ते के पास डाल दिया जाता है और सब कुत्ते मिलकर उस व्यक्ति को मार देते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है। उस राजा के पास में बहुत सारे सेवक रहते हैं। उनके मन में हमेशा ये चलता है कि सेवक लोग से अगर कोई गलती हो जाए, इसे भी हम वहीं पर डाल देंगे। और वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है, उनमें से एक सेवक से एक गलती हो ही जाता है। जब राजा अपना सब हिसाब किताब करते हैं तो देख रहे हैं उनके खजाने से 10 सोने की मुद्रा गायब है। जो सेवक इसका देख रेख करता था उसको बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है, मेरे खजाने से 10 मुद्रा क्या हुआ? सेवक कहता है, आपका खजाने से 10 मुद्रा क्या हुआ इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने जब हिसाब किया था तो आपका सब मुद्रा वहीं पे थे, तो 10 मुद्रा कैसे गायब हो सकता है? ये सुनने का राजा कहता है, तुमने 10 मुद्रा चुराए हैं, इसीलिए तुम्हें मैं प्राण दंड देता हूँ। तुम्हें कुत्ते के सामने डाला जाएगा और तुम्हारा वहीं पर मौत हो जाएगा। और तुम मेरे बहुत पुराने सेवक हो, इसलिए मैं तुम्हें ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है? तुम बोलो, उसे पूरा किया जाएगा। वो सेवक कहता है, अगर आपको मेरा आखिरी इच्छा पूरा करना है तो मुझे 1 हफ्ता का मोहलत दे दीजिए। इतना कहने का राजा उसे 1 सप्ताह का मोहलत दे देता है। और 1 सप्ताह के बाद जब उसे कुत्ता के सामने डाला जाता है तो कोई भी कुत्ता उसे मारता नहीं है और उसका हाथ पैर चाटने लगता है, उसे प्यार करने लगता है। तो ये देख कर राजा बहुत ही अचंभा हो जाता है, वो टेंशन में आ जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने इतना हाई ब्रीड के बहुत खतरनाक कुत्ते मंगाए हैं, ये सब कुत्ते सेवक को प्यार क्यों कर रहा है? इतना देखने का राजा चौंक जाता है और कहता है, तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि सब कुत्ते तुम्हारे फेवर में हो चुके हैं? तो मंत्री कहता है, आपसे मैंने 1 सप्ताह का समय इसलिए मांगा था क्योंकि 1 सप्ताह तक मैं इन कुत्तों को रोज खाना दिया करता था, प्यार किया करता था, और 1 सप्ते में मैंने ये भी ढूंढ लिया कि आपका 10 मोहर कहाँ गए हैं। इसीलिए आज जब मुझे यहाँ पर डाला गया तो ये लोगों ने मुझे मारा नहीं और उनसे प्यार करने लगे, क्योंकि 1 सप्ते में ये लोग समझ गए हैं किसे मारना है और किसे नहीं, और मैं इनका प्यारा हो चुका हूँ इसीलिए ये लोग मुझे मारेंगे नहीं। मैंने फिर से जब टोटल किया तो मैं देख रहा हूँ आपने 10 मोहर तो दान में दिए थे और आपने कहा था इसे लिखने की जरूरत नहीं है, और इसके बारे में आप भी भूल चुके हैं और मैं भी भूल चुका हूँ। इन 1 सप्ते में मैंने उसका भी हिसाब किया और मुझे पता चल गया कि वो 10 मोहर कहाँ गए हैं। आपने अपने गांव के इस व्यक्ति को पैसा दिया है। इतना सुनने का राजा बहुत ही लज्जित हो जाता है, शर्म से उसका मुंह झुक जाता है। वो कहता है, मेरे गलती की वजह से तुम्हारा प्राण चला जाता अगर तुमने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया होता, इसीलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ तुम यहाँ पर काम करो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेवक कहता है, मैं आपके पास काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जहाँ पर एक बार नाम खराब हो जाए वहाँ पे काम करना मैं ठीक नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मैं आज का इस देश को छोड़कर चला जाऊंगा, मैं किसी और गांव में चला जाऊंगा, कोई और काम ढूंढ लूंगा, पर यहाँ पर काम नहीं करूंगा। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहता हूँ शायद आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके मन में ये चल रहा होगा राजा और सेवक के सामने हमेशा राजा का औहदा ऊंचा होता है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सेवक का भी इज्जत होता है, उसका भी ईमान होता है, धर्म होता है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये जरूरी नहीं है कि हर सेवक चोरी होगा, बस एक ईमानदार इंसान को समय चाहिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए। अगर आपने उसे समय दे दिया तो अपने आप को प्रूफ जरूर कर देगा और वो एकदम गंगा जल की तरह शुद्ध हो जाएगा। शायद आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके लाइफ में अगर आपको बहुत दूर तक जाना है, सक्सेस पाना है, तो अपने आप को एकदम नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। मैं साफ सुथरा का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके चरित्र का बात कर रहा हूँ। बाहर से भले ही आप जैसे भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता है, आपको भीतर से अच्छा होने की जरूरत है, क्योंकि कपड़े का दाग छूट जाता है पर चरित्र का दाग कभी छूटता नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अपने आप को इस प्रकार से साफ सुथरा रखिए कि कोई भी आपके ऊपर एक उंगली भी ना उठा सके। शायद मैं आपको क्या बताना चाहता था आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे बटन से प्रेस जरूर करिए। ऐसा मोटिवेशन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।